आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि योगी सरकार जल्द ही गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए चलाने वाली है बस सेवा। जी हां, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बस सेवा क्या है और किन किन शहरों तक हमको जाने के लिए आने जाने की जो सुविधा है वो मिलने वाली है जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। साथ ही इसमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योगी सरकार 750 करोड़ रुपये में 1500 बसें खरीदेगी, ग्रामीण इलाकों को प्रमुख शहरों से जोड़ने का प्रस्ताव। इस सेवा के लिए राज्य सरकार ने 1500 बसें खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन बसों के खरीदने पर 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण मेट्रो बस सेवा 6 से 9 महीने में शुरू की जाएगी। इस सेवा को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, तो 6 से 9 महीने में ये सेवा शुरू होने की बात कही गई है। और इस बस सेवा का नाम है ग्रामीण मेट्रो बस सेवा। जी हाँ, ग्रामीण मेट्रो बस सेवा शुरू होने वाली है और इस सेवा से ग्रामीणों को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और हर आधे घंटे में आपको बस की सुविधा मिलेगी, जिससे आप विभिन्न शहरों में, बड़े शहरों में जा सकते हैं और वहाँ जाकर जो भी आपका कार्य है बनाकर अपने गाँव वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी में अब ग्रामीण मेट्रो बस सर्विस की तैयारी, जाने कितने गांव जुड़ेंगे, कैसे करेगी काम। यूपी परिवहन निगम ने प्रदेश में ग्रामीण मेट्रो बस सर्विस देने का खाका तैयार किया। इसके तहत प्रदेश के उन गांवों को यूपी परिवहन की बस सर्विस मिलेगी जो अब तक इससे वंचित हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में करीब 12,000 से अधिक गाँव ऐसे जहाँ यूपी परिवहन निगम की बस सेवा नहीं है। पहले फेज में बुंदेलखंड, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, पूर्वांचल के अलग अलग डिपो से ग्रामीण मेट्रो बस सर्विस के लिए 900 बसें उतारने की तैयारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके साथ ही आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दें कि पहले चरण में UPSRTC बुंदेलखंड, पूर्वांचल जिलों के साथ साथ सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा मंडलों के तहत अलग अलग बस डिपोज के माध्यम से 900 बसों के साथ ग्रामीण मेट्रो सेवा संचालित करेगा। यह दूसरे चरण में बाकी क्षेत्रों को कवर करने के लिए दूसरे चरण में 900 बसें चलाएगा। निगम ने सभी जिलों को राष्ट्रीय और राज्य की राजधानी से जोड़ने वाली एक अंतर जिला सस्ती AC बस सेवा संचालित करने का भी प्रस्ताव रखा है। ये बसें नॉन स्टॉप होंगी या अग्रिम आरक्षण की सुविधा के साथ न्यूनतम स्टॉपेज होंगी। आपने देखा होगा कि जो हाईवे उसके किनारे बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बस सेवा आप सभी को मिलने वाली है और इससे काफ़ी कुछ आसानी हो जाएगी। साल 2024 के आम चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण इलाकों को प्रदेश के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए 750 करोड़ रुपए की मेट्रो बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। यह बस सेवा ग्रामीण इलाकों को सीधे दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से जोड़ेगी। इस सेवा के लिए राज्य सरकार ने 1500 बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन बसों के खरीदने पर 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण मेट्रो बस सेवा 6 से 9 महीने में शुरू की जाएगी। इस सेवा को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। 81 लाख बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा जल्द। 10,000 बसों में यात्री सुविधा के मद्देनजर पैनिक बटन लगेगा। यात्री सुविधाओं के मद्देनजर कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। इसमें रूरल मेट्रो ग्रामीण बस सेवा से लेकर बस अड्डों को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। जल्द सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलेगा। RP सिंह, MD UPSRTC लखनऊ। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बसों से आवागमन आसान करने समेत संकल्प पत्र में 5 बिंदुओं को शामिल किया गया। रूरल मेट्रो बस सेवा चलाने के लिए प्रस्ताव निगम प्रशासन ने 21 फरवरी 2022 को शासन के मुख्य सचिव को भेजा था। इस प्रस्ताव पर 11 मार्च को शासन स्तर पर मंजूरी मिल गई है। प्रथम चरण में हर तहसील ब्लॉक में बस ठहराव के लिए सड़क के दोनों ओर बस स्टॉप बनेगा। लीज की 75 वर्ग मीटर जमीन पर PPP मॉडल के तहत बस स्टॉप बनेगा। हर स्टॉप पर शौचालय के साथ 4 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर ये बस सेवा मिलने वाली, जितने भी ग्रामीण लोग हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं,
और इससे रोजगार के अवसर भी होंगे। बाकी रोजगार के यहाँ पे अवसर बताए जा रहे हैं कि हर स्टॉप पर शौचालय भी बनेगा और उसमें 4 लोग को रोजगार भी वहाँ मिलने वाला है। सेवा जो ये है यहाँ पर वो शुरू होने वाली है, तैयारियाँ चल रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।